देखो इधर, ये हो गया अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, मेरी बात सुनो। जैसे जैसे अपने ना सिंपल के चार थे, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ऐसे हमारे कंपाउंड के भी चार हैं। ये हमारा हो गया कंपाउंड का कौन सा, स्क्वेमस। आगे करो, अब हम कंपाउंड का देखेंगे क्यूबोइडल। मजा आ गया, मतलब वो वाली ग्लैंड जो बहुत ज्यादा टूटती होंगी, क्योंकि बहुत सारी लेयर टूटती होंगी फ्रैक्शन की वजह से, नई आती होंगी। तो सबसे पहले अपर लेयर ऑफ क्यूबोइडल, अपर लेयर ऑफ क्यूबोइडल में आएगा इन द लाइनिंग ऑफ कंजक्टाइवा ऑफ आई, इन द लाइनिंग ऑफ कंजक्टाइवा ऑफ आई। यहां कंजक्टिव नहीं, कंजक्टाइवा ही होता है। लो खुश इसको 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 क्राई टू चाइल्ड सिंड्रोम हो गया। फिर देखो सिबेसियस ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स, इन सब में क्या होगा ये वाला। फिर होता है सिक्रेटरी यूनिट ऑफ सलाइबरी ग्लैंड, फिर सिक्रेटरी डक्ट एंड ऑफ स्वीट ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके, देखो क्यूबोइडल पहले बहुत बार बता दिया ना जी कि क्यूबोइडल मतलब ग्लैंड्स वाले होंगे, तो यहाँ पे वो वाली ग्लैंड्स होंगी जो बहुत ज्यादा हैवी और जिनका बार बार यूज होता होगा। नेक्स्ट, फिर कॉलमनर मतलब कॉलम वाले, तो एक सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड, सीलिएटेड में क्या हो जाएगा, लैरिंग्स, यूट्रस, बक्कोफेरेंजियल बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग, देखे हो। फिर नॉन सीलिएटेड में इन द लाइनिंग ऑफ एपिग्लॉटिस, इसमें होगा कॉलमनर का होगा क्या, नॉन सीलिएटेड, सीलिया एब्सेंट होगा,